हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं डेजी जैन, डेजी जैन्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और बहुत पसंद किया। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे और मोटिवेट करते हैं कि आगे मैं वीडियोज बनाऊं, तो इसीलिए आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। एक अच्छी सी रेसिपी जो है बहुत ही अच्छे लुक देने वाले और बहुत ही क्रिस्पी समोसे। तो बहुत सारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्लीज हमें समोसों की रेसिपी डालिए, तो लीजिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ समोसों की रेसिपी। तो लीजिए फ्रेंड्स, इंजॉय कीजिए मेरे साथ क्रिस्पी समोसे, और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो आप तक पहुंच सके, और इसी तरह मेरा साथ देते रहिए। चलिए आइए बनाते हैं गर्मा गर्म समोसे। तो लीजिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम समोसों की रेसिपी। आइए पहले देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। 5 पोटैटो को अच्छी तरह से पील करके और चॉप कर लिया है। इसके साथ ही हम लेंगे 3 कटोरी मैदा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा। आलू को चमकने के लिए हम लेंगे देसी घी। मोइन के लिए लेंगे हम रिफाइंड धनिया, साबुत धनिया और थोड़ी सी चुटकी भर हींग। तो लीजिए फ्रेंड, इंग्रेडिएंट से करते हैं हम शुरू अपनी रेसिपी। तो लीजिए, हमने गैस ऑन कर ली है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून घी। जैसे ही घी गर्म होता है हम इसमें मिलाएंगे चुटकी भर हींग, डालेंगे जीरा। जीरे को अच्छी तरह से लाल होने तक भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसी के साथ हम डालेंगे साबुत धनिया 2 टीस्पून। अब हम इसमें डालेंगे चॉप किए हुए पोटैटो। अब इसे हम मिक्स करेंगे। जी फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालिए। मैं इसमें डाल रही हूं 1/2 टीस्पून सॉल्ट। सॉल्ट डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे और इसे पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा कलर आ गया है इनमें। अब धनिए की, जो साबुत धनिया इसमें हमने डाला है, उसकी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है। फ्रेंड्स, हमने ये सिर्फ आज पोटैटोज ही लिए हैं। आप चाहें, अगर आपके घर वाले पसंद कर रहे हो, तो आप इसमें मटर भी डाल सकते हैं और इसके साथ पनीर भी डाल सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके साथ हम थोड़े ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनको हम इसको बनने के बाद ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ऑलमोस्ट होने ही वाले हैं। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, जिसे हमने चॉप करके रखा था। धनिया डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कलर भी थोड़ा अच्छा हो जाता है। ये देखिए, समोसों के लिए हमारे आलू ऑलमोस्ट तैयार है। इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर इसी तरह रख देंगे ताकि अच्छी तरह पक जाएं। फ्रेंड्स, एक तरफ हमारे आलू तैयार हो रहे हैं, दूसरी तरफ हम समोसों के लिए पहले मैदा गूंद लेंगे। ये देखिए, ये मैंने छान कर साफ कर कर मैदा रखा हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे 3 कटोरी मैदा,
इसी के साथ हम डालेंगे इसमें स्मॉल स्पून ऑफ सॉल्ट। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मोइन। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये करीबन 4 चम्मच हमने मोइन के लिए हैं। इसे अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम 1 स्पून मोइन का लास्ट में और ऐड करेंगे। मोइन की क्वांटिटी सही हो तो फ्रेंड्स समोसे बहुत ही खस्ता बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए मोइन अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो गया है हमारे मैदे में, और ये देखिए अच्छी तरह से हमारी मुट्ठी भी बन रही है। ये देखिए आप भी इसी तरह से बनाकर देखिएगा। अब हम लेंगे पानी, इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे। पानी मिलाकर इसका डो तैयार करेंगे। फ्रेंड्स हमें पानी थोड़ा थोड़ा इसीलिए लेना है कि अगर हम एक बार में ही पानी डाल देंगे तो कई बार आटा ज्यादा पतला हो जाएगा, फिर उससे हमारे समोसे ठीक नहीं बनेंगे। हमें इसका नॉर्मल डो लगाना है, ना ज्यादा पतला हो ना ही बहुत ज्यादा सख्त होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए फ्रेंड्स हमारा डो लग चुका है। इसे अच्छी तरह से मसल कर स्मूथ करेंगे। हल्का सा रिफाइंड लेकर नीचे लगाकर हम अपने डो को बहुत ही स्मूथ कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स डो लगाने के बाद अब हम इसे 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि मैदा और पानी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स लिड उठाकर देखा हमने, हमारे आलू भी पूरी तरह से ये देखिए पक चुके हैं। अब हम इन्हें ठंडा होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसमें मिलाया है 1 स्पून किचन किंग मसाला, 1 स्पून चाट मसाला। अब हम इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू और कलर इसमें आ चुका है। अब हम इसे एक कंटेनर में निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा कलर आया है। अब आप इसमें पनीर बारीक बारीक बनाकर वो भी डाल सकते हैं। इसी के साथ हम डाल सकते हैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे कि कैशू नट्स। इसी के साथ हम डाल सकते हैं इसमें सौगी। ये देखिए फ्रेंड्स इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही रिच लुक बनते हैं। इसमें मटर, पनीर, कैशूज बहुत ही अच्छे लगते हैं।
तो लीजिए हम इन्हें एक साइड पे रख देते हैं और जो आटा हमने लगाया था उसकी तैयारी करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुके हैं, जो हमने डो लगाया था उसको एक बार फिर से मसल लेंगे। अब देखिए डो बिल्कुल मुलायम हो गया है। अब हम इसे छोटे छोटे पेड़ों में बांट लेंगे। ये देखिए, इसकी हम लोई बना लेंगे, इस तरह से दबा लेंगे इसे। ये देखिए, इस साइज की लोई हमें लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से लोई लेकर हम उसे बेल लेंगे। इसे बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है और मोटा भी नहीं रखना है। ये देखिए, जिस तरह हम अपना फुलका बेलते हैं कुछ उसी साइज का हमें इसे कर लेना है। ये देखिए, अब हम इसके सेंटर में इस तरह से कट लगाएंगे। अपनी फिंगर्स पानी में डालते हुए, ये आधे पोर्शन से स्टार्ट करना है, इसको आधे पोर्शन में ओनली वाटर लगाना है हमें। इसके बाद ये पानी लगा हुआ हिस्सा हमें इसके ऊपर रखना है। साइड को इस तरह से प्रेस करते हुए इसे यहां से दबा देना है। ये देखिए, अब इसके बाद हमने जो स्टफिंग बनाई है वो हम इसमें डालेंगे। इसकी एक साइड पर हम इस तरह से पानी लगाएंगे और इसे दूसरी साइड के साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से दोनों तरफ से इसे दबाते हुए ये हमारा समोसा रेडी है। इसी तरह से हम दूसरे साइड को भी करेंगे। पानी वाली साइड हम ऊपर रखेंगे और इसे इस तरह से प्रेस करते हुए अब इसमें हम अपनी स्टफिंग फिल करेंगे। स्टफिंग बहुत ज्यादा भी नहीं फिल करनी ताकि बाद में बंद करते समय कोई मुश्किल आए। ये देखिए, एक साइड पे हमने पानी लगाया, दोनों साइड्स को इस तरह से ज्वाइन करते हुए। पानी लगाने से मैदा आपस में चिपक जाता है। ये देखिए हमारा समोसा तैयार है। इसी तरह से फ्रेंड्स, मैंने ये एक और लोई को बेल कर रखा है, हम इसमें भी कट लगा लेंगे। और ये देखिए, सिर्फ सेंटर में ही हमें वाटर लगाना है, पानी वाली साइड को ऊपर रखना है और इसे इस तरह से प्रेस करना है। अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। पानी ऊपर लगाते हुए इसे बंद कर देंगे। इसे बिल्कुल अच्छी तरह से दबाएं। ये देखिए, हमारा समोसा रेडी है। इसी तरह से हम सारे समोसों को, तो लीजिए फ्रेंड्स, अब आपके सामने तैयार है समोसे। ये देखिए, कितने अच्छे समोसे हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दो तरह के समोसे बनाए हैं। ये देखिए, साइज में इस तरह से जो नॉर्मली हम समोसे बाजार से लेते हैं, और इसके अलावा हमने बनाए हैं ये छोटे छोटे समोसियाँ। अगर आपको किसी पार्टी में सर्व करनी है, इस तरह से आप थोड़ा छोटा साइज करके, छोटा बेल कर आप समोसियाँ भी तैयार कर सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमने दूसरी तरफ तेल गरम करने के लिए रख दिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, हमने ये 3 कटोरी मैदे से अपना मटेरियल बनाया था, तो इससे हमारे करीबन 20 से 22 समोसे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आइए अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड, आइए फ्राई करते हैं हम अपने गर्मा गर्म समोसे।
समोसों को। ये देखिए घी बिल्कुल गर्म है, लेकिन अब हम इसे सिम पर कर देंगे थोड़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, साइड चेंज करेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसे बनाएंगे घी गर्म होने के बाद, ताकि हमारा जो समोसा है उसका मैदा अंदर से कच्चा ना रह जाए। इसकी साइड हम चेंज करते रहेंगे और इसे धीमी आंच में पकने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आ रहा है। इस तरह से इन्हें उलट पलट करते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आपको एक छोटी समोसी भी फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी छोटी समोसी भी साथ साथ फ्राई हो रही है। फ्रेंड्स, अगर आपकी किटी पार्टी है या वैसे कोई टी पार्टी, कोई स्नैक पार्टी है, तो आप इन छोटी छोटी समोसियाँ बनाकर सर्व कर सकते हैं। मैं आपको तो एक और टिप देती हूँ, अगर आपको ये स्नैक पार्टी में सर्व करनी है तो आप इसमें आलू मत डालिए, आप इसमें जस्ट मटर बॉईल करके उन्हें अच्छी तरह से छमक लीजिए और उसमें सभी ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। उसको मिक्स करके हम इन समोसियों में, छोटी समोसियों में फिल करेंगे और फिर सर्व करेंगे। आप देखना पनीर, मटर और ड्राई फ्रूट के साथ ये फिल की हुई छोटी समोसियाँ बहुत ही ग्रेसफुल लगती हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा गोल्डन कलर इसमें आ गया है। ये देखिए बहुत ही अच्छी लुक। ये देखिए ये समोसा हमारा हो चुका है। इसे हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी लुक आई है समोसे की। इसे हम नैपकिन के ऊपर निकाल लेंगे ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑयल हो तो इसी में आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे ये समोसे भी बहुत ही अच्छे गोल्डन कलर इन पे अच्छी तरह से आ चुका है। ये देखिए अब हम इन्हें भी नैपकिन पे निकाल लेंगे। इसी तरह से फ्रेंड्स हम सारे समोसों को फ्राई कर लेंगे। मैं एक बात और बताऊंगी फ्रेंड्स, अगर आपके घर में गेस्ट आने हैं तो आप एक ही दिन पहले इसे तैयार करके इसी तरह रख लीजिए और इन्हें एक बॉक्स में डालकर आप फ्रिज में रख दीजिए। नॉर्मल फ्रीजर में नहीं बल्कि फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप इसको फ्राई करके बहुत ही अच्छी तरह से सर्व कर सकते हैं। ये लीजिए हमारे गर्मा गर्म समोसे, और ये मैंने आपको एक डिस्प्ले की थी हमारी समोसी। ये देखिए फ्रेंड्स हमने अपना नेक्स्ट बैच भी डाल दिया है इसी तरह से। फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी रेसिपी है और घर के समोसों की बात ही कुछ और होती है, क्योंकि हमें पता है कि हमने इसमें कैसा ऑयल यूज किया है, क्या क्या चीजें किस प्रोडक्ट को यूज किया है। तो मैं तो यही आपको बोलूंगी कि बहुत ही इजी रेसिपी है, आप भी अपने बच्चों को और घर वालों को घर पर ही ये रेसिपी बना के खिलाएं। गैस थोड़ा सिम पे करके हम इसे भी फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स इसको हम सर्व करेंगे धनिया पुदीने की चटनी, साथ में इमली की चटनी और गर्मा गर्म समोसे। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना अच्छा बना है गर्मा गर्म समोसे। इसे हम पुदीने की चटनी और धनिया की चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो लीजिए टेस्ट कीजिए गर्मा गर्म समोसे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप जरूर ट्राई करेंगे और मुझे बताना कि कैसी बनी ये रेसिपी। ओके बाय फ्रेंड्स।
एंजॉय।